कान्हा, तुमने ही तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मैया को ना बताऊं। फिर तुमने स्वयं ही उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बताया? दाऊ के मन में यही शंका थी बाबा। उन्हें भी मैंने यही कहा था कि मैया को कभी ना कभी तो मेरा राज्य पता चलना था। किसी और से जानकारी मिलती तो उन्हें अधिक दुख होता, इसीलिए मुझे लगा अच्छा यही है कि इन्हें मेरा सत्य से मुझसे पता चले। वैसे भी मैया से भेद छुपा के मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा। इतने वर्षों में मैं जब जब मैया से कुछ भी छुपाता था तब तक मेरे हृदय को भी पीड़ा होती थी। मैं समझ सकता हूँ गाना। क्या सोच रहे हो? कछु ना। क्या कछु ना? पता भी है ये सारे बालक कल रात से भूखे हैं। दो कान्हा चल। लगता है सब ठीक है। क्या ठीक है? कछु ठीक ना है। बहुत कठिन है पर मैं प्रयास कर रही हूं कि स्वयं को समझा पाऊं कि मेरा लल्ला मेरे प्रभु श्रीहरि का अवतार है। ठहर, तू कहां जा रहा है बिना बताए? पूरे संसार के लिए तू दिव्य होगो, मेरे लिए तू केवल मेरा लल्ला है, समझ आई? अब आके कछु खा ले। आ ले खा। पहले आप खाओ मैया। तू खा पहले, मैंने कही ना तू अब भी मेरा लल्ला ही है जो कल रात से भूखा है, इसीलिए अब चुपचाप खा और जे मत ही सोचियो कि मैया को सत्य का पता चल गया है तो कछु कहेगी ना। तेरी मैया हूं कान्हा, कस के डांटूंगी और आवश्यकता पड़ी ना तो डांटूंगी भी और दंड भी दूंगी। और फिर भी बात ना मानी तो स्मरण है ना ओखल, चिते यहां भी है। आपकी डांट फटकार और दंड में फूलों से भी अधिक मिठास है भैया। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। मुझे एक छोटी सी अनुमति चाहिए। फिर से वन जाना है? फिर से कोई लीला करनी है क्या? हाँ वो। बस बस, अधिक बहाने बनाने की आवश्यकता ना है। ठीक है चला जा, पर वन के अधिक भीतर ना जाना, समझ आई? चलो मिल गई अनुमति। राहू आप ना चलोगे हमारे साथ खेलने? नहीं तुम जाओ, मुझे पौधा लगाना है। पर क्यों दाऊ? क्योंकि माँ ने कहा है आज मेरा।
कि पौधे लगाने से फल मिलते हैं। पर पौधा तो लगो, फल लाए। इतने शीघ्र फल नहीं आते खाना, कम से कम एक वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो एक वर्ष के बाद इसी पौधे के नीचे बैठ के फल खाएंगे। आज के विशेष दिन को स्मरण रखना सिखाओ। सब स्मरण रखना, बस अपने दाऊ का जन्मदिन ही भूल जाना तुम। वैसे आज के दिन की एक और विशेष बात है, आज माँ को बनाने की आवश्यकता भी ना पड़ी, उसके बिना ही वन जाने की अनुमति मिल गई। जय हुई ना बात। अब चलो। बलराम कहाँ थे तुम? अच्छा तुम्हें पता है, महर्षि गर्ग ने मेरी विनती स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जन्मदिन के विशेष अवसर पर तुम्हारे लिए विशेष पूजा करेंगे वो। जो किसी को स्मरण ही ना रहे वो कैसा विशेष अवसर? क्या हुआ, किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी? सखा बोले तो कोई बात नहीं, पर छोटा भाई भूल गया माँ। क्या, ये कैसे संभव है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ, पूरे संसार की हर छोटी से छोटी बात जिसे ध्यान रहती है वो अपने बड़े भाई का जन्मदिन कैसे भूल सकता है। सुनो सुनो सुनो, ये तो अच्छा करो कि तुम सबने से किसी ने भी दाऊ को पता ना चलने दिया कि उनका जन्मदिन हमें स्मरण है। पर अब हमें उनके लिए कुछ ढूंढना होगा। हाँ, हम सबकी ओर से कोई ना कोई विशेष उपहार। तो फिर गौवंश का ध्यान कौन रखेगा? और कौन? तुम। गैया मैया की तो समस्या ना है, पर जब बछड़े मेरे वश में ना आते इन्हें तो कहना ही संभालेगा। अच्छा ठीक है, पर तुम सब जाओ और कुछ अनोखा ढूंढ कर लाओ। गए साहब, अब इनकी अनुपस्थिति में शांति से अखासुर का अभिमान भंग करूंगा। इसे क्या लगता है, ये मुझे अपने जाल में फंसा लेगा? इसके मित्रों को मृत्यु के जाल में ऐसे फंसाऊंगा मैं कि ये रक्षा की भिक्षा मांगेगा मुझसे। क्या ले चलू बलराम के लिए? जो हो बहुत विशेष। जेफल उसे बहुत प्रिय है। पत्तरी के रत्न, भयभीत मत हो वसंता, ये तो केवल एक कंदरा है। अजगर हो तो ऐसे मुंह खोल के थोड़ी ना बैठे रहते हो। और नहीं तो क्या, पर एक बात तो है, आज तो कैसा कछुआ देखो, अद्भुत। चलो भीतर चल के देखते हैं, क्या पता बलराम के लिए कुछ अनोखा कुछ अद्भुत मिल जाए। जो कंदरा बाहर से इतनी सुंदर लग रही है
उसके भीतर कछु ना कछु सुंदर मिलेगो ही। तो सच्चे में असगर हुआ तो कहना है ना, बच्चा के बाहर निकाल देंगो, जैसे स्वयं बकासुर के देह से बाहर आया था। अभी अभी आके खोली इसने। अरे बसंता, तुझे तो हर बात में कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। इसे छोड़कर हम सब भीतर चलते हैं। चलो चलो। अरे मुझे अकेला सुनके कहाँ जा रहे हो? बहुत देर हो गई मुझे अकेला देखकर भी। आगासुर ने अभी तक आक्रमण नहीं किया। इसने तो उल्टी चाल चल ली। मुझे आकार करने के स्थान पर मेरे सखाओं को ही अपना आहार बना लिया। उसके सखाओं को आहार बना लिया है मैंने। अब उस विष्णु अवतार को इनकी रक्षा करने आना ही पड़ेगा और तब मैं उसके प्राण लेकर अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। गैया मैया अपना ध्यान रखना, मुझे सखाओं को मुक्त कराने जाना होगा। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, किसके लिए पका रही हो? कान्हा और उसके सखाओं के लिए। अभी तक जैसे वापस ना आए हैं, अब मैं ही जाऊंगी, जाके दे आऊंगी। उन्हें भूख लगी आई होगी ना। यशोदा, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए मुझसे क्रोधित हो ना? ना, आपके स्थान पे मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। और भगवान की इच्छा से बड़ा तो और कछु ना होता है। पर अब मुझे जाना होगा, जिस सारे बालकों ने रात से केवल फल खाया हुआ है। इन बालकों ने मेरा कार्य सरल कर दिया, स्वयं ही कृष्ण को खींचकर मुझ तक ले आए। दिखाई नहीं दे रहे। ये यहाँ खड़ा क्यों है? भीतर आ बालक, ताकि तुझे और तेरे सखाओं को एक साथ बचा लूं मैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा।
ये क्या हो रहा है मुझे? कैसी माया है ये? नारायण नारायण। मैंने इतने पाप किए हैं प्रभु, फिर भी आपने स्वयं मुझे मुक्ति प्रदान की, ऐसा सौभाग्य मुझे क्यों मिला प्रभु? ये तो होना ही था गासुर, यही था विधि का विधान। पूर्व जन्म में तुम राक्षस संघ चुन के पुत्र थे, युवा थे, बाद बलवान और कामदेव के समान आकर्षण होने के कारण बहुत गर्व हो गया था। एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी और बलशाली ऋषि उसी नदी में स्नान कर रहे थे, जिसके स्वच्छ जल में स्नान करके तुम अपनी कांति को और भी अधिक बढ़ाने आए थे। ये क्या देख लिया मैंने, भला कोई इतना वक्र भी हो सकता है? एक रूप वृद्ध, इसी क्षण मेरी दृष्टि से दूर हो जा। किसी भयानक श्राप की भांति कहीं तेरी इस देह की छाया मेरे सुंदर स्वरूप पर ना पड़ जाए। भाग जा यहां से। अभी भान में आकर तुमने ऋषि अक्षावर का उपहास उड़ाया, उन्हें तुम्हारे व्यवहार पर बहुत क्रोध आया और इसीलिए तुम्हें विनय का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। तुझे अपने अभिमान का पश्चाताप न हुआ तो इस ऋषि का तपोबल व्यर्थ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ मूर्ख, तू इसी क्षण ब्रह्मांड का सबसे क्रूर सर्प बन जाएगा, क्रूर सर्प बन जाएगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी त्वचा क्षमा ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया ऋषिवर। मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं मैं, किंतु अब मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है ऋषिवर। पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं मैं। आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्षमा किया अघासुर, पर मैं चाह कर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर तुम्हें वरदान अवश्य दे सकता हूं। तुम्हें अपने श्राप युक्त जीवन से मुक्ति स्वयं श्री विष्णु के कर कमलों से मिलेगी, विष्णु के कर कमलों से मिलेगी। आज मैंने उनके मां ऋषि के सी वरदान को पूरा किया है। अब तुम घोषाक के चक्र से मुक्त हो जाओगे।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.